दोस्तों आज हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन हैबिट बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट्स की मदद से जानेंगे कि कैसे हम साइंटिफिकली प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड्स की मदद से कोई भी न्यू हैबिट कैसे बिल्ड कर सकते हैं या कोई पुरानी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल स्टेप्स और एफर्ट्स बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, क्यों हम चाह के भी अपनी हैबिट्स को बीच में ही क्विट कर देते हैं और कैसे उन पे टिके रहें, कैसे हम कोई भी हैबिट बिल्ड या क्विट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके अपना बिहेवियर और हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम जितना हो सके उतना इस बुक को इजी एंड सिंपल वे में समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये स्टेप्स सिर्फ सुनने में ही अच्छे ना लगे बल्कि आप इन्हें प्रैक्टिकली सच में डेली फॉलो भी कर पाएं अपनी लाइफ को आज से ही बेहतर बनाने के लिए। बिलीव अस, ये बुक हैबिट बिल्ड पे सबसे ज्यादा पावरफुल एंड प्रैक्टिकल बुक है। सो नंबर वन, द 1% रूल। स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस कैन रिजल्ट इन मैसिव रिजल्ट्स। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें रोज बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत होती है, लेकिन अगर इसे बिगर पिक्चर में देखा जाए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लियर कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में ही काम नहीं आता बल्कि हमारी डेली लाइफ और हैबिट्स में भी अप्लाई होता है। अब कंपाउंडिंग दोनों ही केस में अप्लाई होती है, चाहे आप गुड हैबिट्स को लंबे समय तक फॉलो कर रहे हो या कोई बैड हैबिट को। लेकिन अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को फॉलो कर रहे हो और इफेक्टिव हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हो तो जेम्स कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हो तो साल के आखिर में आप 37 टाइम्स और ज्यादा बेहतर और ग्रो कर चुके होंगे। तो आपको ओवरनाइट रिजल्ट को भूल के रोज छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट है उन छोटी इम्प्रूवमेंट्स का जो आप रोज करते हैं, तभी हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। अब हाँ, अगर रोज देखा जाए तो हमारी हैबिट्स का इम्पैक्ट हमें ना के बराबर दिखता है, लेकिन थोड़े बड़े विजन के साथ देखा जाए तो यही हैबिट्स कुछ हफ्तों में, महीनों में या कुछ सालों में अपना इम्पैक्ट दिखाती है और तब रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़े और विजिबल होते हैं, इवन कभी कभार तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा। नंबर टू, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। फॉरगेट अबाउट द इंस्टेंट रिजल्ट्स। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले वर्ल्ड में हमारे लिए अपनी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इंस्टेंट प्रोडक्ट डिलीवरी, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट कंटेंट और कुछ ही क्लिक्स में इंस्टेंट सब कुछ पाने की वजह से हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए वायर्ड हो चुका है। लेकिन अगर वहीं हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसी सोच और आदत को अपना लेते हैं तो हम जेम्स क्लियर के प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को सही से समझ पाएंगे। हमें प्रोग्रेस का रास्ता बहुत ही सीधा और लीनियर दिखता है, लेकिन असल में यह रास्ता लंबा, टेढ़ा और उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स तब तक कोई विजिबल रिजल्ट शो नहीं करती जब तक हम एक थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं कर लेते, और इसमें काफी लंबा समय लगता है, और इस लंबे टाइम पीरियड में कई बार हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तभी अपने काम को, लक्ष्य को या हैबिट को बीच में ही छोड़ देते हैं कोई रिजल्ट ना दिखने पे। तो अगर आपको सच में सॉलिड हैबिट को फॉलो करना है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए रास्ते को भी अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑलरेडी काफी डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर के लिए तैयार रहना है, और तब तक आपको नहीं रुकना जब तक आप लेटेंट पोटेंशियल के प्लेटो को क्रॉस नहीं कर देते। नंबर थ्री, द साइकिल ऑफ हैबिट्स, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर हैबिट साइकिल को 4 स्टेप्स में डिवाइड करके समझाते हैं, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए, सुबह की सुस्ती क्यू है सुबह की चाय का। क्रेविंग वो काम को करने या हैबिट के लिए मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे चाय के बाद एनर्जी और चाय की खुशबू आपकी क्रेविंग है। रेस्पॉन्स वो हैबिट्स और एक्शंस हैं जो हम करते हैं, आपका चाय बनाना या बनवाना हुआ रेस्पॉन्स, और रिवॉर्ड होता है एंड गोल हर एक हैबिट का, यानी कि फीलिंग अवेक, एनर्जी और चाय पीना हुआ आपका रिवॉर्ड। पहले के दो स्टेप्स क्यू और क्रेविंग प्रॉब्लम बेस्ड होती है, और आखिर के दो स्टेप्स रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड सॉल्यूशन बेस्ड फेज है। ये हैबिट साइकिल आपकी गुड और बैड हैबिट्स दोनों पे अप्लाई होती है, और जेम्स कहते हैं कि 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इसी साइकिल से इन्फ्लुएंस होकर निकलते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट पॉइंट में आइए ठीक से समझते हैं। नंबर 4, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। तो फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, अप्लाई होता है क्यू पे। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, अप्लाई होता है आपकी क्रेविंग पे। थर्ड लॉ, मेक इट इजी, अप्लाई होता है रेस्पॉन्स पे। और लास्ट फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग, अप्लाई होता है रिवॉर्ड पे। तो फॉर एग्जाम्पल चलो मान लेते हैं कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो आप मॉर्निंग में अपने बेड के पास एक बुक रख सकते हैं जिससे ऑब्वियस हो जाएगा कि आप जब रात को बेड पे सोने जाएंगे तो आपको बेड के साइड में बुक दिखाई देगी, और आराम से ब्लैंकेट में लेटे लेटे हाथ में कंफर्टेबली बुक लेके पढ़ना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। ऐसा करना ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू शेल्फ से जाके बुक ढूंढ के निकालने के या डेस्क पे बैठ के पढ़ने के, और रोज एक चैप्टर खत्म करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और वहीं अगर आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो आपको बस इन लॉस का बिल्कुल उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सिगरेट छोड़नी है तो फर्स्ट आपको उसे इनविजिबल कर देना है, यानी आपको उसे खरीदना ही नहीं है और ना ही उसे अपने बैग में, पॉकेट में या घर में रखना है। सेकंड, आपको उसे अनअट्रैक्टिव बना देना है, यानी कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि फिटनेस कॉन्शियस होने के साथ आपको हेल्दी डाइट अट्रैक्टिव लगे और सिगरेट अनअट्रैक्टिव। थर्ड,
आपको उसे डिफिकल्ट बना देना है। आपको अपने स्मोकर फ्रेंड के साथ नहीं घूमना। आपको वो रास्ता चेंज कर देना है जिस दुकान से आप रोज सिगरेट लेते हैं। आपको सबको बोल देना है कि अगर वो लोग आपको कभी सिगरेट पीते हुए देखें तो वो आपको लूजर बोल के जाएं। और फोर्थ लो है कि आपको उसे अनसेटिस्फाइंग बना देना है। अगर आप जिम जाओगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन जिम और हेल्दी डाइट में ही मिलेगा, क्योंकि वहीं आपका डोपामाइन रिलीज होगा और फिर आपको सिगरेट अनसेटिस्फाइंग लगेगी। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स थे। आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कोई भी हैबिट को बिल्ड करने या छोड़ने के लिए इन फोर लॉस को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5, फोकस ऑन सिस्टम्स। जेम्स कहते हैं कि हमें गोल्स पे फोकस करने की जगह डेली सिस्टम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर हमारा डेली प्रोसेस प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड है तो हम जो चाहे वो लॉन्ग टर्म में पा सकते हैं, और उनके इस बात पे हम खुद भी एग्री करते हैं। तभी हम अभी हाल ही में ईयरली गोल सेटिंग के बाद ही आपके लिए हाउ टू अचीव योर गोल्स की वीडियो लेकर आए थे, ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि सिर्फ गोल सेटिंग करने से कुछ नहीं होता। गोल्स तो विनर्स और लूजर्स दोनों ही सेट करते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाता है जिसे अचीव करने का सिस्टम पता हो कि कैसे कुछ अचीव किया जाता है। तो गोल्स पे नहीं बल्कि अपने डेली रूटीन और सिस्टम पे फोकस करो। गोल्स उन रिजल्ट्स के बारे में होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और वही सिस्टम्स उस प्रोसेस के बारे में होता है जो आपको उन रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स तक लेके जाता है। एग्जाम्पल, हर स्पोर्ट का गोल अच्छे स्कोर्स होता है, लेकिन अगर आपका ध्यान पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ स्कोर बोर्ड पे होगा तो आपका फोकस खेलने पे नहीं बल्कि कुछ नंबर्स पे होगा और आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप खेलने के सिस्टम पे ज्यादा फोकस करोगे और एंजॉय करोगे तो अपनी उम्मीद से ज्यादा भी रन स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ गोल पे ही फोकस कर रहे हैं तो मे बी आप यही सोचते होंगे कि मैं जब अपना गोल अचीव कर लूंगा तभी हैप्पी या अच्छा फील करूंगा। तो इट मींस कि आप फ्यूचर में अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को टाल रहे हैं। वहीं अगर आप सिस्टम्स और प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं तो आप रोज ही छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अचीव करके अच्छा फील कर सकते हैं। नंबर 6, शेप योर आइडेंटिटी। जेम्स हमें इस फिगर की मदद से समझाते हैं कि एग्जांपल, आपका वेट लूज करना या कुछ अचीव करना एक आउटकम होता है जो कि गोल्स के लेवल पे ऑपरेट किया जाता है, और सेकंड लेयर होती है प्रोसेस, यानी कि आपका डेली जिम जाना, हेल्दी खाना और रोज एक्शंस लेना, अपनी हैबिट्स को फॉलो करना। वहीं थर्ड और डीपेस्ट लेयर होती है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, यानी कि अगर आप अपने आप को फिट समझने लगते हैं या आपको इस बात में डीपली बिलीव और कॉन्फिडेंस है कि आप जो चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो और आप उसी चीज के लिए बने हो, तो आपका बिहेवियर, हैबिट्स और रिजल्ट्स आपके उस बिलीफ को फॉलो करेंगे। हमारे बिलीव्स को चेंज कर देना हमारी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट ऑफर करने पे फर्स्ट पर्सन कहता है कि नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरा पर्सन कहता है कि नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लेकिन यही पावर ऑफ लैंग्वेज बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती है। तो आपका गोल सिर्फ एक बुक पढ़ना नहीं बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ एग्जाम्स के लिए कुछ दिन पढ़ना नहीं बल्कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ मिलियंस कमाना नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ फिट होना नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन पर्सन बनना होना चाहिए। अब देखा जाए तो हमने इस वीडियो में इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं हैबिट्स बिल्डिंग या ब्रेक करने के, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो इसी वैल्यूएबल वीडियो के रिटर्न में आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।